सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर हमारे यहां से कोई भी स्टोन प्रिस्क्राइब किए गया है या कोई भी पूजा प्रिस्क्राइब की गई है तो वो लाइफ टाइम के लिए होती है, कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होता कि आपको कोई रत्न कुछ समय के लिए पहनने आने, क्योंकि देखिए रत्न आते हैं महंगे। अगर वास्तव में हम रत्नों में जाएं तो रत्न होते हैं महंगे। अब इंसान बड़ी मुश्किल से तो अरेंज करता है पैसों का, और मैं किसी के विरोध की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर जगह मैंने देखा है कि जैसे उन्होंने आपको एक महीने के लिए या 8 महीने के लिए या 2 साल के लिए कोई रत्न पहनाया, फिर आप उनके पास गए, फिर आपने कहा जी ऐसा हो रहा है, फिर वो कहेंगे अब ये काम ख़त्म हो गया, अब नया रत्न पहनो। तो आप किसी के पर्टिकुलर क्लाइंट बने रहते हैं, ये मेरी नज़र में ठीक नहीं है। तो बेहतर ये है कि एक बार इलाज करवाओ, अच्छे से करवाओ, और जो भी आप थेरेपी ले रहे हैं, क्योंकि ये स्टोन थेरेपी है, ये परमानेंट लो। आजीवन का रत्न डिज़ाइन होता है। तो अच्छा, आजीवन वाले में एक चीज़ होती है, वो थोड़ा सा शने शने कार्य करता है, लेकिन जब आप अपनी, जब वो अपनी स्ट्रीम में आएगा, जब अपनी अपने वेग में आएगा ना, तो आप आपके जीवन में आनंद बढ़ देगा। लेकिन इसके लिए धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस की ज़रूरत है। मैं चमत्कार में विश्वास नहीं करता, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। मेरा आप सबसे भी यही विशेष निवेदन है कि आप लोग भी अगर इस तरह की चीज़ों में हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू वियर अ स्टोन एंड थेरेपी, सो आप कोशिश करें कि आप परमानेंट स्टोन में जाएं, परमानेंट, जो आपको ज़िंदगी में कभी उतारने की ज़रूरत ना पड़े। उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये पन्ना है, मैंने पन्ना धारण किया हुआ है, मान लीजिए ये डायमंड है, ठीक है। अब मुझे शुक्र ग्रह से कुछ प्राप्ति करनी है, तो ये डायमंड एंटीनी का काम करेगा और मेरे शरीर को वो देगा। ये पन्ना है, मुझे बुध ग्रह की अगर कोई विशेष चीज़ चाहिए जो मुझे रिक्वायर्ड है, तो ये पन्ने, अगर पन्ना स्टोन, ये स्टोन क्या है, एंटीना है ये। जब सूर्य की किरणें सब तरफ जाती हैं तो सूर्य यहाँ क्या होता है, परावर्तित होकर प्रकाश आता है। पहले वो प्रत्येक ग्रह पे जाएगा, क्योंकि इधर पानी है, हमारी पृथ्वी पर जल है, तो क्या होगा, और गुरुत्वाकर्षण बड़ा तेज है, तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए सूर्य का निकल रहा प्रकाश शुक्र से टकराया, टकराकर सीधे वो पृथ्वी की तरफ आएगा, बुध से टकराया वो पृथ्वी पर आएगा, गुरु से टकराएगा पृथ्वी पर आएगा, शनि से टकराएगा पृथ्वी पर आएगा। तो जब प्रकाश वहाँ टकराएगा तो वहाँ की जलवायु, वहाँ की प्रकृति को साथ में लेकर आएगा। तो हमें उस प्रकृति की ज़रूरत है, क्योंकि हमें, मान लीजिए गुरु कमज़ोर है या बुध को अच्छा करना है, व्हाटएवर, तो वो जब ऊर्जाएँ आएंगी तो वो ऊर्जाएँ अच्छे स्टोन, स्टोन हमेशा अच्छा पहनो, चाहे छोटा पहनो। कई बार क्या होता है, लोगों को स्टोन की नॉलेज नहीं है। हमारे पास भी कई लोग स्टोन यहाँ से जाते हैं। स्टोन क्या है, स्टोन को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपसे किसी ने कह दिया भाई 5.25 रत्ती का स्टोन पहनो, आप लोगों कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया होगा, लगभग लोगों के आता है, क्योंकि 95% से ज़्यादा लोगों के हाथों में आपको रिंग्स मिल जाएंगी, इसका मतलब थेरेपी काम करती है। तो अब उन्होंने कहा 5.25 रत्ती का आपको ये पहनना है, लेकिन किस क्वालिटी का पहनना है, उन्होंने ये तो कभी बताया ही नहीं। 5.25 रत्ती का, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि आपको 5.25 रत्ती का पुखराज पहनना है, पुखराज येलो सफायर, सपोज आपको वो पहनना है, तो मैं आपको एक छोटा सा, आप लोग खुद जान जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5.25 रत्ती का आपको पुखराज पहनना है, तो और फाइन क्वालिटी का पहनो, फाइन क्वालिटी का, तो मैं आप सबको बता दूं कि 5.25 प्रति का पुखराज 5,500 रुपए का भी आ जाएगा और 5.25 लाख का भी आएगा। यस, दोनों बातें बिल्कुल सत्य मान के चलिएगा। 5.25 रत्ती का पुखराज 5,500 रुपए का भी आ सकता है और 5.25 लाख का भी आ सकता है। आप उस स्टोन का, जो 5.25-5,500 रुपए का स्टोन है, उसकी लैब टेस्ट कराएंगे तो वो पत्थर पुखराज ही बताएगा। उस पर कार्ड लगा दो कि नहीं साहब दिस इज अ जेन्युइन स्टोन, वो पुखराज ही बताएगा। बट उसमें और वो 5.25 लाख में अंतर क्या है, उसमें कई अंतर होते हैं। स्टोन थेरेपी में कुछ चीज़ें बड़ी स्पेशल हैं, जैसे कट, जैसे कलर, जैसे क्लियरिटी,
और अगर हीरा है तो कार्बन, ये चार सी होते हैं हीरे में और तीन सी होते हैं किसी भी स्टोन में, कट, कलर एंड क्लियरिटी, और कैरेट तो सब में ही होता है। तो अगर आप इस चीज को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। तो मैं कहता हूं मेरे मिलने वालों से जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरी बात मानते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप 5.25 रत्ती का 20,000 का रत्न पहने। मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप 5.25 रत्ती का 20,000 का रत्न पहने, उससे अच्छा एक 25 रत्ती का 20,000 का रत्न पहन लो। गॉट इट? दोबारा सुन लीजिए, ये जरूरी नहीं है। देखिए, कोई एक रत्न है जिसकी 5.25 कैरेट का है और वो 20,000 रुपये का है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और एक उसी में का एक रत्न है जिस जो 25 रत्ती का है, जो 5.25 रत्ती का नहीं है पर वो 20,000 का है। क्यों? क्योंकि उसकी कट, उसकी क्वालिटी, उसका कलर उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे रत्न परखे जाते हैं। तो जो ब्लर है, जो रत्न ब्लर होगा जितना ज़्यादा उसकी कीमत उतनी कम होगी, और जो जितना क्लियर होगा उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि वो अच्छा एंटीना है, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि इनका उपयोग हम ऐसे एंटीना कर रहे हैं उन रेज को कैच करने के लिए, वो एक अच्छा एंटीना होगा। सो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू परचेज और वियर दिस स्टोन, तो पत्थर में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। मैं कभी अपने यहाँ नहीं कहता कि 5.25 रत्ती का पहनो कि 7 रत्ती का पहनो, मैं तो कहता हूँ बजट बताओ, बजट क्या है। अगर कोई मुझसे बजट की बात करता है, क्यों तुम्हारा बजट ही नहीं है उतना, तो जरूरी है 5 रत्ती का पहनो, उससे अच्छा 2 रत्ती का पहनो, मगर क्वालिटी का पहनो। अब तुमने कहा 20,000 का हमें खरीदना है, 5.25 रत्ती का तो बेकार लग रहा है, 5.25 रत्ती का उस वो तो ब्लर है, फिर मैं कहूँगा बेहतर है आप 2 रत्ती का पहनो, काम तो करेगा, फालतू पैसा डालने से क्या मतलब है, भले ही उतने ही का ही आ रहा है वो, पर आपके लिए फायदेमंद है। वो ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं है उसके अंदर किसी भी स्टोन में, मोती को छोड़ दीजिए, मूंगे को छोड़ दीजिए और डायमंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इनकी इनकी चर्चा नहीं है ट्रांसपेरेंसी में। और एक आपका कैटाई जिसको लहसुनिया बोलते हैं, ये अलग स्टोन है, ये ट्रांसपेरेंसी में नहीं जाते बट ये फाइन है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, चीज़ अपनी कीमत स्वयं बोलती है, अपने आप बोलेगी। तो ये थेरेपी के कुछ गुण हैं, कभी भी ध्यान रखिएगा कि इन चीज़ों पर बड़ा बड़ा समझने वाली बात है कि हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। तो रत्न जो हैं अगर वो लाइफ टाइम मिलते हैं, अब महंगे आते हैं, तो मैं चाहता हूँ हमेशा लाइफ टाइम वाले रत्न पहनो, जो बेस है आपकी कुंडली का उसके रत्न पहनने चाहिए, ताकि जीवन में कल्याण हो।